अस्सलामुअलैकुम। सऊदी खबरों के साथ मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं अबरार मलिक टीवी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में बार्बर शॉप्स के मुतअद्दिद मालकान ने मुतालबा किया है कि 15 मार्च से इनका सारा काम बंद पड़ा है। वो ज़बरदस्त माली मसाइल से दो चार हैं। हिफ्जान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ बार्बर शॉप खोलने की इजाज़त दी जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक बार्बर शॉप्स मालकान ने मुआवन सेक्रेटरी वजारत सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी के इस बयान पर रद्द अमल दिया है, जिसमें इन्होंने कहा था कि समाजी दूरी की शर्त पूरी ना करने वाली सरगर्मियों बार्बर शॉप स्पोर्ट्स क्लब और ब्यूटी पार्लर्स को कोरोना वबा पर मुकम्मल काबू पाने से कबल बहाल नहीं होंगी। बार्बर शॉप्स के मालकान का कहना है कि मुश्किल दोहरी है, कोरोना वायरस से मुतासर इदारों को सब्सिडी दी जा रही है, हमें इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमें दुकानों के किराए, बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना पड़ रही हैं। इलावा अजीं शदीद गर्मी की वजह से बार्बर शॉप्स में मौजूद आलात तल्फ होने की वजह से नुकसान अलग से हो रहा है। बार्बर शॉप्स के एक मालिक तलाल अलकाबी ने अपना मौकफ बयान करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान हमें बड़ा नुकसान हुआ है। पाबंदी साल के ऐसे वक्त में लगाई गई है जिसमें हमारी सही कमाई होती थी। अलकाबी ने कहा कि डेंटल क्लिनिक वगैरह की तरह हमें भी एहतियाती तदाबीर के साथ अपना काम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। सैलून शॉप्स खोलने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई जाएंगी इनका एहतराम करेंगे। अलकाबी ने यह भी कहा कि अगर बार्बर शॉप्स खोलने की इजाज़त ना दी जाए तो ऐसी सूरत में लाइसेंस फीस, सोशल इंश्योरेंस, कारकुनान के इकामों की फ़ीस, इसी तरह की दीगर फीसों से इस्तिस्ना दिया जाए। बार्बर शॉप्स के मालकान ने काम बहाल करने के लिए मुतअद्दिद हिफाजती तजावीज़ भी पेश की हैं। इनका कहना है कि बार्बर शॉप में गाहकों का इंतज़ार पर पाबंदी लगाई जा सकती है, गाहकों को बुकिंग का पाबंद बनाया जा सकता है, हुजामों को हिफाजती मास्क और दस्ताने का पाबंद बना दिया जाए, हर गाहक के बाद मास्क और दस्ताने तब्दील करने की पाबंदी लगाई जाए, शॉप्स में साफ हवा की फरहमी को यकीनी बनाने का अहतमाम कराया जाए। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।